नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अढ़ाई का अड्डा, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की लिस्ट जो आने वाली है। एमपी से बीजेपी उम्मीदवारों पर आज मोहर लग सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की आज लिस्ट आ जाएगी, सभी को इंतजार है। ये भी बता दें कि सीएम यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज शाम को फिर दिल्ली जाएंगे। प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी आज तय हो जाएंगे। दिल्ली में आज सीईसी की बैठक होगी और इसमें अंतिम मोहर लग जाएगी। देर रात तक पहली सूची आ सकती है जिसका इंतजार किया जा रहा है। तो दिल्ली में सीईसी की बैठक देर रात तक जो नाम है वो फाइनल हो जाएंगे और वो नाम सामने आ जाएंगे। तो 14 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। करीब 10 सांसदों को फिर से मैदान में उतारने की तैयारी में बीजेपी है। भोपाल, विदिशा, रतलाम, झाबुआ, रीवा, ग्वालियर की बात करें तो यहां पर सांसदों के टिकट कटना तय माने जा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खजुराहो से ही लड़ने की उम्मीद है। शिवराज सिंह चौहान का जिक्र करें तो वो विदिशा से चुनाव लड़ेंगे, मैदान में सामने होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। गुना से उन्हें लड़ाया जाएगा और भोपाल से साध्वी प्रज्ञा की अगर हम बात करें तो इनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी का पैनल फाइनल हो चुका है। 11 सीटों के लिए बीजेपी का पैनल फाइनल हुआ। न्यूज 18 के पास संभावित उम्मीदवारों के नाम भी हैं। 3 से 4 महिलाओं को टिकट मिल सकता है। सीईसी की बैठक में नाम फाइनल हो जाएंगे। आपको संभावित नाम भी हम बता देते हैं, संभावित उम्मीदवार कौन रहेंगे वो भी नाम हम आपको बता देते हैं। राम सेवक पैकरा पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। वहीं चिंतामणि महाराज हैं, ये पूर्व विधायक रह चुके हैं। विजय सिंह हैं, ये भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, ये संभावित नाम हैं। कमल भान सिंह पूर्व सांसद रह चुके हैं, कोई नया चेहरा नहीं है। तो वहीं बिलासपुर का जिक्र करें तो रजनीश सिंह पूर्व विधायक रह चुके हैं। किशोर राय पूर्व मेयर, हर्षिता पांडे पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग की, भूपेंद्र सवन्नी प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी, राजेश सिंह पार्षद नगर निगम, कोई नया चेहरा यहां पे नहीं है। वहीं बात करें लता उसेंडी की तो ये विधायक रह चुकी हैं। दिनेश कश्यप हैं, पूर्व सांसद हैं। वेदवती कश्यप हैं, कोई नया चेहरा नहीं है। तो आज नाम सामने आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी पैनल तैयार हो चुका है, नाम फिक्स हो चुके हैं, बस सामने आना बाकी है। सहयोगी अनूप गुप्ता दिल्ली से जुड़ गए हैं, शैलेंद्र चौहान भोपाल से हैं, आकाश शुक्ला रायपुर से हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अनूप का। अनूप, सीएसी की बैठक होगी और फिर उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी, आखिर क्या लगता है कब तक ये बैठक होगी? चूंकि नाम फाइनल हो चुके हैं, एक बार और मोहर लगना बाकी है सीएसी में। देखिए, बता दूं कि आज शाम 6:30 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षता में। और बीजेपी इस बार, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, बीजेपी क्लीन स्वीप करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पाई थी पिछले बार, और मध्य प्रदेश में भी एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार वो चाहती है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बीजेपी को पूरी की पूरी सीटों पर जीत दर्ज मिले। और जिस तरीके से पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रत्याशित जीत मिली थी, जिस तरीके से एक बड़ी जीत मिली थी, वहाँ सरकार बनाने में सफल हुई बीजेपी, तो ऐसे में बीजेपी ने एक खास रणनीति बनाई है। आज खासतौर पर जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें उन सीटों पर चर्चा होगी जिन सीटों को बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी, यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की एक सीट और छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर बीजेपी की नज़र है, जिसको टफ बीजेपी मानकर चल रही है कि इन सीटों पर अगर अच्छे तरीके से अगर चुनाव लड़ा जाए और अच्छे कैंडिडेट दिए जाएँ तो इन सीटों पर भी चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। और जो बता रहे हैं उसके मुताबिक आज की जो बैठक होगी उस पर इन सीटों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक जो ये दोनों राज्य हैं और खासतौर पे मध्य प्रदेश है,
वहां पर कई नए चेहरे को भी पार्टी जो है इस बार चुनाव में उतारने जा रही है और तकरीबन 30 से 40% जो है वो नए चेहरे होंगे, यानी कि टिकटों को बदला जाएगा। देखिए कुछ सांसद पहले से वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, वो वहां पर मंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे में कुछ सीटें इसके अलावा भी कुछ सीटों पर जो सांसद हैं वो बदले जाएंगे और नए लोगों को वहां पर मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं, संभावना ये भी है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनको भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरी रणनीति जो है बीजेपी के निचले स्तर से बन चुकी है। अब मुहर जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगाई जाएगी। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए, सहयोगी शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लिस्ट आने वाली है, वो मध्य प्रदेश के लिए लिस्ट जारी हो जाएगी कुछ नामों की, ऐसा कहां लग रहा है कि कहां कहां के जो नाम है सांसद है उनका नाम कट सकता है, लिस्ट में नहीं होगा और आखिर क्यों नहीं होगा? देखिए बिल्कुल, अगर हम पूरी दो दिन की कवायद बीजेपी की देखें तो ये साफ है कि जो 7 ऐसे पिछले जो लोकसभा में जीत कर आए थे सांसद, वो सब इस बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो दमोह की सीट देखा जाए तो प्रहलाद पटेल जो है उनकी सीट खाली है, वहां पर नया चेहरा आना लगभग तय है। इसी के साथ ग्वालियर नरेंद्र सिंह तोमर की सीट हो, वो सीट खाली है। गुना में केपी यादव की जगह ज्योतिराज सिंधिया को लड़ाया जाना इस बार, अभी तक वो राज्यसभा से थे, अब वो लोकसभा से वापस सदन में जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो विदिशा सीट पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का टिकट माना जा रहा है, तो यहां पर भी जो वर्तमान सांसद है उनका टिकट कट जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो जहां पर जैसे भोपाल है, भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटना तय माना जा रहा है, यहां पर पार्टी किसी नए चेहरे को सामने लाएगी। और इसी तरह ऐसे कई चेहरे हैं जिनको लेकर लगातार अटकलें थी या जिनका परफॉर्मेंस कमजोर है, जैसे कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जिन्हें मंडला से विधानसभा चुनाव में उतारा गया था लेकिन वो चुनाव हार गए थे, इस बार उनका टिकट खतरे में बताया जा रहा है क्योंकि मंडला लोकसभा सीट जो है वो उस पर नए चेहरे को, किसी बड़े आदिवासी चेहरे को ढूंढा जा रहा है। हालांकि अभी भी कुलस्ते का दावा मजबूत है लेकिन अभी अटकलें हैं कि वो टिकट बदल सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो धार में छतर सिंह दरबार, उनका टिकट कटने की संभावना है, लगातार 3 बार के सांसद है, वहां पार्टी नया चेहरा चुन सकती है। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो इंदौर में शंकर लालवानी जो सांसद है उनका टिकट अभी तो दावा मजबूत है लेकिन यहां पर भी लगातार मांग उठती रही है कार्यकर्ताओं से कि किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए। तो सभी सीट के अलग अलग समीकरण है। अब छिंदवाड़ा की हम बात करें तो एकमात्र ऐसी सीट छिंदवाड़ा है जो 29 सीटों में से जिसमें कि बीजेपी लंबे अरसे से जीत नहीं पाई है, तो इस बार वह कमलनाथ के जो बेटे हैं सांसद नकुलनाथ, उनको चुनौती देने के लिए किसी बड़े नेता को उतारे जाने की कवायद थी लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वहां किसी स्थानीय नए कार्यकर्ता को, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी भी चौंकाने वाले चेहरे को मैदान में पार्टी उतार सकती है ताकि एक नई तरह की चुनौती हो, क्योंकि पहली बार यह हुआ था 29,000 सीटों से बीजेपी हारी थी, नहीं तो हमेशा 1,00,000 वोटों से हारती थी। तो हर सीट पर नए समीकरण, लॉटिंग के आकाश भी लगातार बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। आकाश, वहां पर कैसी स्थिति नजर आ रही है, क्या लग रहा है, नए चेहरों पर बहुत ज्यादा दाव खेलने की बीजेपी मूड में है या फिर वापस से पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया जाएगा, वहां पर आकर किस रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली में बैठक है और यहाँ से सीएम और प्रदेश अध्यक्ष गए हुए हैं, बैठक में शामिल होंगे और यहाँ से जो 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में उसमें नाम लगभग तय कर लिए जाएंगे, वो कभी भी घोषित कर सकते हैं। पहली सूची में 5 से 6 सीटों पर नाम घोषित होंगे, इसमें वो सीटें हैं जो पहले जो सांसद थे वो विधायक का चुनाव लड़े, उसके बाद वो सीटें खाली है। इसके साथ ही बस्तर और जांजगीर चांपा के साथ 1 और सीटों पर जारी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो सूची में अन्य जो बची हुई सीटों पर उस पर कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन साफ तौर पर यहां पर देखा जा रहा है जिस तरीके से भाजपा की रणनीति है, नए चेहरों पर फोकस किया जा रहा है। 11 सीटों में कुछ 1-2 चेहरे ही रिपीट हो सकते हैं जैसा कि बीजेपी के नेतृत्व का कहना है, बाकी सभी सीटों में नए प्रत्याशी ही उतारे जाएंगे। इसको लेकर लगातार बीजेपी मंथन कर रहा है और नए स्वच्छ सभी वाला ही वो चेहरा खोजा जा रहा है जो बेहतर परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में दिखा सके, क्योंकि 11 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई भी एक सीट भी हाथ से निकल जाए, ऐसे में सीधे तौर पे छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर फोकस है और जमीनी स्तर पर इस पे काम किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए।
पीएम मोदी आज पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण करने वाले हैं। उज्जैन में स्थापित विश्व की पहली वैदिक घड़ी शाम 4 बजे वर्चुअल लोकार्पण इसका पीएम मोदी करेंगे। 85 फीट ऊंचा टॉवर पर यह घड़ी लगी है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का ये समय बताएगी और आज इसकी शुरुआत लोकार्पण पीएम मोदी वर्चुअली करने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे। ये भी बता दें कि उज्जैन में स्थापित विश्व की ये पहली वैदिक घड़ी है जिसका लोकार्पण होगा। शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब वर्चुअली लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। ये भी आपको बता दें कि 85 फीट ऊंचे टॉवर पर ये घड़ी लगाई गई है जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का समय बताएगी। को जो लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की मुख्य आतिथ्य में पूरे प्रदेश में सम्मिलित पूरे प्रदेश के सभी विधानसभा में हो रहा है, उसी में वैदिक घड़ी का भी लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम वैदिक घड़ी के ही स्थल पर किया जाएगा जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बीसी के माध्यम से जुड़ेंगे और इसमें इसका लोकार्पण होगा। सर प्रधानमंत्री भी वर्चुअल जुड़ने वाले हैं ऐसा कुछ जानकारी? माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में उनका मुख्य आतिथ्य रहेगा, उनकी उपस्थिति में वैदिक घड़ी का लोकार्पण होगा।